हे हाय एवरीवन, दिस इज प्रेम, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक। सो मैं बैठा हुआ था और बहुत ही एक सिंपल वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा इस वीडियो में। यस, Q&A वीडियो है और ये वीडियो पहले ही आनी थी लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिले। हाँ, तो वैसे आप लोगों ने क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे हैं लेकिन मैंने कुछ सेम क्वेश्चंस को पिक किया है और ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी है। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th से रिलेटेड कॉन्टेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट होते हैं। ठीक है, ओके। या सबसे पहला क्वेश्चन आया था अनुज कुमार का कि भैया वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैंने बहुत बार बताया भी है, फिर भी बता देता हूँ कि मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में हुआ था और फिर मेरी हायर स्टडीज बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, अलग अलग जगह से हो रही है। ओके, फिर चिराग जंगिड़, सर वेयर आर यू फ्रॉम, यही सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का कि भैया क्लास 9th के सब्जेक्ट्स कब से स्टार्ट करोगे या क्लास 9th का सिलेबस कब से स्टार्ट करोगे। तो लेट मी टेल यू यार कि मैं एक्चुअली साइंस का टीचर नहीं हूँ, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, बट साइंस पढ़ना आप लोगों को पसंद है हमसे और दैट्स वाई मैं साइंस पढ़ाता हूँ। तो भाई क्लास 9th का भी साइंस मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं कोई और टीचर हायर नहीं करने जा रहा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट बिलीव करो, जैसे हमने क्लास 8 में पढ़ा था ना, उससे कहीं बेहतर तरीके से हम क्लास 9th को कवर करेंगे। और मैं एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ कि टुडे इज व्हाट, टुडे इज आई थिंक कि 8th of April ना, 15th of April से क्लास 9th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। 15th April को पहला चैप्टर अपलोड हो रहा है। तो अब तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि भैया क्लास 9th का सिलेबस कब स्टार्ट करोगे, 15th of April। ठीक है, पेशेंस रखो और वेट करो। ओके, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता है, बट थोड़ा मुझे भी तो समझो ना यार, थोड़ी तो मुझे भी टाइम चाहिए। 15th of April से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, प्राची 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 ने कहा कि भैया सर आप एक दिन में कितनी वीडियोस बनाते हो। तो एक दिन में तो यार मेरी एक भी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ तो मेरी 30 सेकंड या 35 सेकंड की वीडियोस अपलोड होती हैं। इसका कारण ये है कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ एंड जब मैं सोचता हूँ उस वीडियो पर ना, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आ ही जाती है और मेरी एक वीडियो बनने में मुझे हफ्तों लग जाते हैं। Yes, you won't believe, but एक वीक लग जाते हैं मुझे एक वीडियो बनाने में। ओके, फनी रॉकर्स ने कहा है कि भैया सैलरी सैलरी सैलरी। तो सैलरी मैं एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बता सकता, फिर भी मैं एक फिगर बता दे रहा हूँ आपको कि आप ऐसे कह सकते हो कि $700 से लेकर $1,000 तक, $700 to $1,000, ये यूट्यूब की इनकम है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं करने को। ओके, ये हो गया। देन आशुतोष पॉल, सर रूम टूर चाहिए, रूम टूर। अभी तो मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा डिप्रेस्ड था तो मैं गांव आया हूँ जैसा देख रहे हो आप। हाँ, तो मुझे वापस जाने दो सेटअप पे, आई विल श्योरली डू माई रूम टूर, मैं जरूर करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, या आकिफ अंसारी फिर से वही क्वेश्चन, सर चैप्टर कब स्टार्ट होगा। सर आपके स्कूल का नाम जहाँ से आपने 11th and 12th किया है, ये वाराणसी में है, डिवाइन सैनिक स्कूल। पता नहीं वाराणसी वाले हो अगर आप तो आपको पता होगा, डिवाइन सैनिक स्कूल इज रियली अ गुड स्कूल। वहाँ पर हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी लेकिन मैंने एक्चुअली मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई 11th 12th में, एज यू नो। ठीक है, सिल्वर स्टार योर नेम, सर मेरा नेम भी नहीं पता अभी तक, प्रेम नेम है मेरा। ठीक है, एज 21, एजुकेशन आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, व्हेन यू ज्वाइन यूट्यूब 7th Feb 2019 को मैंने चैनल क्रिएट किया था एंड 11th Feb 2019 को मेरी पहली वीडियो पड़ी थी। ओके, सो ये है। एंड देन व्हाट यू विल डू इन योर फ्यूचर, What will you do in your future? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने प्लान किया है कि मेरी पढ़ाई किसी भी फील्ड में हो, बट मैं रहूँगा आपके साथ ही और हमेशा रहूँगा आपके साथ। तो फ्यूचर यू कैन से कि है तो यही, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वे में, थोड़ा सा एक ऑथेंटिक वे में, ठीक है, और अच्छे से। एंड देन सर हु इज़ योर इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मनी इज़ माई इंस्पिरेशन, कोई कहे या ना कहे बट मैंने वो भी दिन देखे हैं,
बताना तो नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी मैंने वो भी दिन देखे हैं जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होती थी, एंड मैं आज का दिन देखता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि हाउ फार आई हैव ट्रैवल्ड, हाउ फार. ठीक है, तो माई इंस्पिरेशन इज़ ओनली मनी, बट यहाँ आने के बाद आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना कि वो सेकेंडरी हो गया है. पहला चीज़ आपका प्यार आपको सर्व करना है. ठीक है, नाइन्थ के सब्जेक्ट स्टार्ट करो, 15th of April डेट याद कर लो. ओके, देन कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास 9th में आपके चैनल से हमें पढ़ने को मिलेंगे? साइंस, इंग्लिश एंड यस मैथमेटिक्स भी. मैथमेटिक्स भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, बट नॉट बाय मी. ठीक है, तो साइंस, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. साइंस एंड इंग्लिश मैं ही पढ़ाऊंगा एज यू नो, एंड देन मैथमेटिक्स आपको जरूर नाम में बता दूंगा आपको. ठीक है, हाँ, पढ़ाई लिखाई पूछ रहे हैं कि हेलो भैया, आई एम शिवम उपाध्याय. भैया, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल? एज आई टोल्ड यू कि बहुत प्रॉब्लम थी यार, लिटरली आई कांट एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. एक मिडिल क्लास का बच्चा अगर वो किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्ट लग जाता है या सप्लीमेंट लग जाता है, तो यू कैन इमेजिन उसका जीना कितना दुश्वार हो जाता है. तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, एंड देन आई चेंज्ड माई वे, आई टुक माई डिसीजन. पेरेंट्स के अपोजिट जाकर मैंने अपना ये डिसीजन लिया कि हाँ, आई हैव टू वर्क इन दिस फील्ड. एंड ऐसा नहीं है कि बस सोया खाया पिया पढ़ाया पहुँच गए, ऐसा नहीं है. हमने वो भी दिन देखे हैं कि जब वो लंबा वाला वो होती थी ना डोरी जिसपे कपड़े सुखाते, उस पर मैंने ग्रीन पर्दा रख कर फिर पीछे आगे ऐसे वीडियो शूट करता था. एंड देन फिर यहाँ से सेटअप तक इस 70,000 के कैमरे तक आने में बहुत दिन लगे और बहुत मेहनत लगी है. ठीक है, ओके. सर, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? माई एम इज़ ओनली टू सर्व यू. टीचर, ये मेरा एम, यही है मेरा पैसन, और आई लव टू डू दिस. ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? एक यूट्यूबर का केवल सपना होता है 1,000,000. दैट्स व्हाट आई वांट टू अचीव. ठीक है, आपने अनअकैडमी छोड़ा है कि नहीं? छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? अनअकैडमी नहीं छोड़ा मैंने, थोड़ा पिछले कुछ दिनों से मैं डिप्रेस चल रहा था, तो मैं आ गया गांव, और गांव में यू नो कोई ब्रॉडबैंड सुविधा नहीं होती है, कोई भी इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो मैं लाइव नहीं जा पा रहा, इसलिए आपको अनअकैडमी पर मेरी वीडियोस नहीं मिल रही है. सर, आपको कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में? एक हफ्ते लगते हैं एक वीडियो बनाने में. ठीक है, ये तो Q&A वीडियो है, इस पर कोई एडिटिंग नहीं करनी, इसलिए मैं एक ही दिन, अभी आज अभी इसे शूट कर रहा हूँ, रात तक शायद ये वीडियो आ भी जाए. ठीक है, ओके. एज क्या है आपकी? 21. देन एनी GF और क्रस? एनी GF, ये क्वेश्चन सुन के ना मेरे आंखों में आंसू आ गए. एनी GF, मैं आपको बता दूं कि जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, जब आप सक्सेसफुल होते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, तो ऑलरेडी रिलेशंस बनने लगते हैं. रिलेशंस तब नहीं होते जब आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा हो, एंड यही मुझे नहीं पसंद है. दैट्स वाई आई डू नॉट हैव एनी GF. ऑब्वियसली बात है, सेलिब्रिटी क्रश तो है ही यार. सेलिब्रिटी क्रश मेरी वो है, टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, कुछ तो है. वॉट वॉज हर नेम? मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे पता नहीं क्योंकि मूवीज में बहुत कम देखता हूँ. ठीक है, ओके. एंड योर 10th and 12th परसेंटेज? 10th में मेरा 92% था, एंड 12th में मेरा 73. ऑनेस्टली सेइंग 73% था, एंड इन स्पाइट ऑफ कंपार्टमेंट इन मैथ्स आई हैव गॉट 73%. होलसम परसेंटेज मेरा 73% था. ठीक है, आई सपोर्ट लर्निंग विद पेस. ठीक है, प्लीज ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें क्लास 9 की बुक्स की PDF हो. ठीक है, आई विल श्योर. मानवी अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, वेयर यू विल गेट आइडिया टू स्टार्ट यूट्यूब? यूट्यूब स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन मैंने पहले भी बताया कि स्कूल में अगर मैं पढ़ाने जाता था ना, तो वो मुझसे बोलते थे कि एक्सपीरियंस कितना है तुमने, तुम्हारे पास डिग्री क्या है, क्या तुमने BEd करी है, क्या तुमने कोई टीचिंग की प्रोफेशनल कोर्स करा है. तो ये सारी सुन सुनकर चीज़ें ना मैं पक चुका था. मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए था जहाँ पर लोग मेरे क्वालिफिकेशन को नहीं बल्कि मेरी क्वालिटी से मुझे जज करें, एंड YouTube इज़ दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपने आप को पूरी तरीके से खुल के एक्सप्रेस कर पाता हूँ. और भगवान की कृपा है कि आप लोगों ने उतना ही प्यार दिया है. ठीक है, ओके. सर, योर एजुकेशन एंड आप मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड हिंदी क्यों नहीं कराते हो? सोशल स्टडीज़ मैं करा तो सकता हूँ, बट
एट्थ में मुझे जरूरी नहीं समझा मैंने, अगर मुझे नाइन्थ में लगता है कि रियली आपका सोशल स्टडीज के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो आई विल श्योरली कंटिन्यू सोशल स्टडीज ऑफ क्लास नाइन्थ. ठीक है, हिंदी मुझे आती नहीं है, मैथ्स में मेरा कंपार्ट लग गया था, दैट्स द रीजन. ओके सर आप मैथ्स पढ़ाओ, कांट पॉसिबल. व्हेन विल यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग साइंस क्लास नाइन? 15th of April. हरमन हरलीन, 15th of April को मेरी पहली वीडियो क्लास नाइन्थ साइंस की आ रही है. ठीक है सर, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स का क्या है ना कि जब एक कोई भी पेरेंट होता है, एक जेन्यून पेरेंट होता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो ऐसे डायरेक्शन में जाए जिसका कोई फ्यूचर हो. एंड ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब इज न्यू और हमारी सोसाइटी इसे कभी एडॉप्ट नहीं करती है. कहती है कि जैसे मैं ही पहले वीडियोस बनाता था तो लोग कहते थे कि ये क्या वीडियोस बना के तुम्हें क्या मिल जाएगा. तो फिर अभी उन्हें पता चल रहा है कि ये वीडियोस बना के उन्हें क्या मिल जाता है. अच्छा लगता है अभी कोई फादर मदर से आके पूछता है कि आपका बेटा यूट्यूबर है, तो उन्हें प्राउड फील होता है एक्चुअली. बट आई डोंट थिंक कि मेरे फादर और मदर कभी भी मेरे इस चीज़ के अपोजिट रहे थे जब मैं पढ़ाई करता था एंड देन आई सडनली लेफ्ट फॉर यूट्यूब, तो उस चीज़ से थोड़े से नाराज थे. लेकिन हाँ अभी सब ओके है एंड दे आर हैप्पी नाउ. ठीक है सर, सन मूव करता या नहीं? बेटा सन मूव नहीं करता, अर्थ मूव करती है, सन वहीं पर वहीं रहता है. ठीक है भैया, आप नाइन्थ क्लास की मैथ्स स्टार्ट करवा दो बस ज़रूर. देन कैन यू प्रोवाइड बेसिक मैथ सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट सोल्यूशन? ओके सारे विथ वन एवर बचपन की इमोशनल वाले दिन. बचपन की इमोशनल वाले दिन, एक्चुअली बचपन में मेरे इतने इमोशनल के दिन थे ना, मुझे याद ही नहीं है सारी चीज़ें. जैसे एक मेरा दोस्त है, ये देखो यहाँ पे घूम रहा है ये. ठीक है इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ. मैं इनको बता दूँ मेरे बचपन की इमोशनल वाले दिन, आप इसकी बॉडी देख के बता सकते हो मेरे इमोशनल दिन क्या रहे होंगे. अब पता है क्या होता था बचपन में, हम लोग ना कुश्ती लड़ते थे, जैसे गांव में होता है ना कुश्ती लड़ते थे, तो ये मुझे बहुत मार देता था उस टाइम मुझे दिल से बुरा लगता था यार कि क्यों मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही. तो दैट वाज द इमोशनल सीन फॉर मी. ठीक है, वैसे ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हाँ प्रज्वल नाम है, बुआ का लड़का है मेरे ये. एंड देन बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे, आपका पसंदीदा सॉन्ग, तुम्हारा पसंदीदा सॉन्ग कौन सा? ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया. और भी बहुत सारे क्वेश्चन सर, क्या आपकी जीएफ है? आप बताइए. मेरी जीएफ तो नहीं है. और मेरी तो हो ही नहीं सकती है, आप जानते हैं ना भगवान ने क्या ही दिया है. Leave it. Okay, सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हैरी पॉटर. सर आपकी जीएफ है? नहीं है बेटा यार, क्यों 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 दिल को दुखाते हो. एंड देन वन मंथ लेफ्ट क्लास 10 बोर्ड्स प्लीज मेक क्रैश कोर्स. आकाश चौरसिया, क्लास 10 के ऑलरेडी इंग्लिश के कोर्सेस अपलोड हो रहे हैं. ठीक है. एंड सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सिलेबस ऑफ SST क्लास 8? यस आई विल श्योरली डू इट. मुझे अगर लगता है कि हाँ करने की जरूरत है तो मैं जरूर करूंगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, हाउ आर यू एंड थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल वीडियो. एंड माय क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट इज प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ हाउ टू मेक नोट्स इन क्लास 9th. हाउ टू मेक अ नोट्स इन क्लास 9th. ओके 15th of April को मेरी चैप्टर नंबर 1 आ रहा है क्लास 9th के साइंस का, उसके पहले मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, और देन और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सर. वेन यू स्टार्ट क्लास 9th स्टडी? ऑलमोस्ट लोगों ने यही पूछा है कि भैया क्लास 9th की पढ़ाई कब स्टार्ट होगी. तो भाई 15th of April, थोड़ा हैव पेशेंस, यू विल गेट आवर बेस्ट. ठीक है, या दिस इज द हाँ मंथली पेमेंट मैंने आपको बताया $700 to $1,000 व्हाट आई गेट फ्रॉम यूट्यूब. एंड इसके अलावा और भी मैं कहीं पढ़ाता हूँ यू नो, एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पर मैं करता हूँ, तो इनकम तो ठीक है. ठीक है ओके, एंड देन आपसे साइंस पढ़ने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं किरण देवी, आपका इंतजार ये वर्थ करता है. ठीक है, आई विल डू माय बेस्ट रियली ट्रस्ट मी. सर कैन यू से सम टिप्स हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम? मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम इन क्लास 9th एंड हाउ कैन यू स्कोर द बेस्ट आउट ऑफ योर्स.
तो एक वीडियो है पिछली मूविंग फ्रॉम क्लास 9th करके, तो आप उस वीडियो को देखो, वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश करी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम नमन कुमार, आई एम मूविंग टू क्लास 9th स्टैंडर्ड, माई क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज टाइम। नमन कुमार, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, ये जो मूविंग टू क्लास 9th करके एक वीडियो थी, उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, आपकी शादी हो गई क्या? शादी लगता है तुम्हें, लगता है इतने मासूम से बच्चे की शादी हो जाएगी अभी? नो, नॉट येट। और आई विश कि अभी हो भी ना। अगर आप चाहते हो कि प्रेम सर आपके प्रेम सर रहे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। ठीक है, या एंड देन नो क्वेश्चन नो क्वेरीज, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, विल यू स्टिल टीच अस साइंस एंड इंग्लिश इन क्लास 9th? यस, एब्सोल्युटली आई विल टीच यू इंग्लिश एंड साइंस इन क्लास 9th। प्रेम सर इज प्रेम सर, नो वन कैन बी लाइक हिम। ठीक है, थैंक यू, ये सब तो आपका प्यार है। सर, विच डिवाइस यू यूज फॉर एडिटिंग? एडिटिंग करने के लिए मैं लैपटॉप का यूज करता हूँ, अभी तो मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है, बट यस आई एम प्लानिंग टू बाय एप्पल मिनी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप ही के लिए ले लूंगा जल्दी। ओके सर, व्हेन यू केम इन गुजरात? गुजरात तो मैं आया ही नहीं, एक्चुअली मैं यूपी के बाहर नहीं गया कभी, गुजरात तो छोड़ो। भैया, माई क्वेश्चन इज 1 to 10 years योर फोटो, फोटो 1 to 10 years, 1 to 10 years की फोटो तो नहीं है, क्योंकि आखिरी बार मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट करा था क्लास 9th में, तो बहुत ज्यादा मैं करूंगा तो वही पिक्स दिखा सकता हूँ क्लास 9th की। ये आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी पुरानी वीडियोज देख लेना, मेरी पुरानी फोटोज देख लेना, वो सभी क्लास 9th की फोटोज हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है प्रेम पांडे 47। ठीक है, सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस जो 24 घंटे में आपने पूछे थे। जिन्हें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, आई विल मेक श्योर कि इस Q&A वीडियो का एपिसोड 2 भी आए, जहां पर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड यस, क्लास 9 की वीडियो जरूर स्टार्ट करेंगे 5 दिन और। टुडे इज 8th of April एंड फ्रॉम 15th of April वी विल स्टार्ट दिस क्लास 9 सिलेबस। चैप्टर नंबर 1 15th of April को आ रहा है। एज आई टोल्ड यू कि मैं डेट भी अनाउंस करूंगा, जो मैंने कर दिया है, तो प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।